बच्चों आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। सब बच्चे तैयार है एक्टिविटी के लिए? जी। जो कल तुम्हारे पास से मैंने कार्ड लिए थे, ये देखिए कार्ड, सबको पता है ना ये कार्ड लिए थे मैंने जी। ये कार्ड, ये सब कार्ड हैं जो तुम्हारे पास से मैंने कल लिए थे। तुम लोग खेलते हो ना जी। आज इन्हीं कार्ड से हम खेलेंगे। सब तैयार है खेलने के लिए? ठीक है। मैंने इन कार्ड के पीछे बेटा कुछ लिख दिया है, कुछ मात्राएं लिख दी हैं, ठीक है। उन मात्राओं को तुम्हें पहचानना है और बताना है कि वो मात्रा काय की है, और उसको अपनी कॉपी में उसके 10 शब्द लिखने हैं। सब रेडी है ना? अब मैं तुम्हें ये सब बांट देती हूँ, ठीक है। इसके पास जो आएगा उसी की मात्रा लिखनी होगी। ये लो अपना कार्ड, और एक दूसरे को नहीं दिखानी, सबकी अपनी अपनी मात्राएं अपने पास रहेंगी। सिर्फ बाहर से देखना है कि आपको कौन सा कार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे पलटेंगे, जिसके पास जो मात्रा आई है वही मात्रा आप अपनी कॉपी में 10-10 शब्द लिखेंगे। अपने सोचिए, क्योंकि बेटा एक दूसरे से नकल कम कर नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि मात्राएं जो है ये अपनी अपनी अलग अलग है सबकी, इसमें कोई एक दूसरे से पूछेगा नहीं, अपनी अपनी लिखनी है। तो आज हमारा एक खेल रहेगा कि हमें कौन सी मात्रा लिखनी है। इसमें कोई मात्रा है देख के बताओ? नहीं है ना मात्रा, तो काय की मात्रा होगी वो? सबसे पहले कैसे शुरू होती है? अ, अ के शब्द जो आते हैं वो लिख देंगे सबसे, क ख ग जो भी है। बताओ सब बच्चे को मिल गई है? जी। सब तैयार हैं? जी। तो अब हम देखते हैं कि सब बच्चे ने कॉपी खोल ली है और कैसे कैसे हम खेल रहे हैं। बच्चों इसका हम जो नाम दे देते हैं खेल का, क्योंकि तुम मात्राओं से शब्द लिख रहे हैं तो हम इसमें नाम देंगे मात्रा पहचानो। शब्द लिखो, सबने अपनी अपनी मात्रा पहचान ली है। सबको पता है कि सबके पास कौन सी मात्रा आई है? बताओ उनके कौन सी मात्रा है आपके पास? आपके पास अंग, अंग नहीं होते, ये ए है, ए की मात्रा। आपके पास ओ की मात्रा। आपके पास ई की मात्रा। आपके पास कौन सी मात्रा आई है? ए की मात्रा। ओ की मात्रा, वेरी गुड। तुम्हारे पास क्या है मधु? ओ की मात्रा। तुम्हारे पास ई की मात्रा। तुम्हारे पास अ की मात्रा। ए की मात्रा। ओ ओ की मात्रा। ए की मात्रा। सबके पास अलग अलग मात्रा है, तो सब अपने कॉपी में सुंदर सुंदर शब्द लिखेंगे सोच के, जिन पे ये मात्राएं लिखी हैं वो शब्द लिखे। उसके बाद और भी मेरे पास कार्ड है, ये उसके कार्ड के हिसाब से मैं दोबारा दूंगी तो और भी लिखेंगे। देखते हैं, सबसे 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। देखते हैं 5 मिनट में 10 शब्द सोचिए सुंदर सुंदर साफ साफ, देखने कौन लिखता है। 5 मिनट बाद ये लगभग 7 बच्चे आए हैं जिन्होंने की सही शब्द लिखे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, और लेकिन कुछ बच्चे अभी अपनी एक्टिविटी में थोड़ा देर कर रहे हैं। कुछ जो बच्चे जानकारी नहीं रखते वो किताबों में भी ढूंढ रहे हैं, तो इस एक्टिविटी से हम लोगों को बच्चों की स्पीड भी पता चल गई है और बच्चों ने इंटरेस्ट भी लिया है। बच्चों कैसा लगा ये एक्टिविटी? अच्छा।